को पूरा टॉप मॉडल का लग रहा होगा। मैपिंग करने में आधे घंटे के आसपास का समय लगता है। इसके अंदर ये वाला हाइड्रो डिपेंड हमारे पास रेडी रहते हैं पैनल। अल्ट्रा एम्बिएंट लाइट फंसा दिया यहाँ पे, पर जब फिट हो जाएगा फिर आपको समझाऊंगा कहाँ का पैनल है ये। डुअल स्टिचिंग जो है पूरी की पूरी यहाँ पे रहती है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स। आज आप लोगों को दिखाएंगे भाई ग्रैंड विटारा। हमारे पास है भाई तीन ग्रैंड विटारा, एक एरी हमारे पास, एक हमारे पास वहां पे लगी हुई है, एक गली में आगे लगी हुई है। चलते हैं पहली वाली की तरफ, जिसमें आप लोगों के लिए हम लोगों ने क्या 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 चेंज करा वो सारी चीजें दिखाऊंगा भाई। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें डैम्पिंग करी है पूरी इंस्टॉल, म्यूजिक सिस्टम हम लोगों ने इसमें चेंज करा। ये वाला म्यूजिक सिस्टम सेम है इसमें भी और उसमें भी, जो तीसरी आई है उसमें अलग है तो उसमें दिखा दूंगा। ये हमने 232 ऑक्टा कोर 360 वाला इंस्टॉल करा है और उसके अंदर भी सेम आप लोगों को मिलेगा, उसके अंदर भी 232 ऑक्टा कोर हमने इंस्टॉल करके दिया है। उसके अंदर जो है बूफर लगा हुआ है, इस वाले में बूफर नहीं है। बाकी जो है सेटअप इसमें ऑडिसन का हम लोगों ने इंस्टॉल करा है और उस वाले में हमने पायनियर का इंस्टॉल करा। तो यहाँ ऑडिसन है, ये स्टेयरिंग का बॉक्स है भाई हमारा, ये हमने 200 वॉट की इसके अंदर LED इंस्टॉल करी है, येलो एविल भैया कंपनी से लेके आए हैं और लुक चेकआउट कर पाओगे। लोईविल के रेट आप लोगों को पता ही है, 20% डिस्काउंट पर मिलते हैं। नीचे की साइड हम लोगों ने इसमें सिल्क प्लेट इंस्टॉल करी है जो कि नेक्सा जेन्युइन पार्ट रहता है, ये वाला जेन्युइन है। फ्लोरिंग 90 इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अंदर अभी, ताकि कारपेट की लाइफ जो है बनी रहे, कारपेट पे डस्ट वस्ट ना आए। स्टेयरिंग हमने इसमें ब्रीजा का इंस्टॉल करा है, उस वाले में हम डुअल टोन विद इंटीरियर इंस्टॉल करेंगे। इसमें गियर नो ब्लास्ट में लगाएंगे तो इसमें ज़्यादा काम नहीं है। इसमें मेनली जो है यही था, एक LED का मेन और एक अपना ऑडिसन का ऑडियो सेटअप, SNB का एम्पलीफायर इस वाले के अंदर अभी हम इंस्टॉल करेंगे और पूरी वायरिंग जो है वो इंस्टॉल होगी जब ये फ्लोरिंग लग जाएगी उसके बाद, मतलब हिडन रहेगी फ्लोरिंग के अंदर से। जब फ्लोरिंग लग जाएगी तो उधर तो बैटरी है, इधर लगेगा, इधर बैटरी है ना, उधर बैटरी है, इधर लगेगा ये वायरिंग बोरी, ठीक है। बाकी जब पूरी हो जाएगी तो हिडन करके फिर इसके ऊपर हम इसके अंदर एम्पलीफायर प्लेस कर देंगे SNB का। सो ये जो हमारी भाई थर्ड वाली विटारा है, मतलब अभी आप लोगों को सेकंड डिटेल में दिखाऊंगा मैं, पर ये जो है थर्ड वाली है, इसके अंदर हम लोगों ने जर्मन एक्सेसरी फ्रंट का क्रोम हो गया, डोर वाइजर्स हो गए, सारे तो हम लोग लगाते हैं हर गाड़ी में, तो हर गाड़ी में मैं दिखाता ही नहीं हूँ। 25% ऑफ आप लोगों के लिए जर्मन एक्सेसरीज के ऊपर मिल जाएगा, नेक्सा जर्मन एक्सेसरीज जो लिखी रहती है। बाकी स्पेयर पार्ट में हमारे पास मारुति सुजुकी जर्मन पार्ट्स, स्पेयर पार्ट में सामने के दोनों AC वेंट और बीच का जो हमारा कंसोल वाला AC वेंट आएगा ये, और उधर के दोनों AC वेंट करेंगे। और स्पीकर्स में जो हम इसमें अपग्रेड कर रहे हैं, इसमें लगाएंगे भाई DD का। तो तीनों में अगर आप देखोगे तो भाई ब्रांडेड सेटअप ही करा, ऑडिसन हो गया, DD हो गया, पायनियर हो गया, तो इसमें हम DD का रेडलाइन सीरीज इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पे ये पीछे डोर्स में लगेंगे, आगे वाले के यहाँ पे जो हमने ओपन कर दिए DD रेडलाइन के, तो यहाँ पे जो हम लोग कंपोनेंट इंस्टॉल कर रहे हैं, ट्विटर्स इसके ये रहे, फ्रंट टू स्पीकर आज फ्रंट टू ट्विटर आ जाएंगे और 4 स्पीकर आएंगे इस वाली गाड़ी के अंदर। बाकी इसके अंदर स्टेयरिंग रैप करेंगे और ग्लोसी पैनल वैनल जितने होते हैं सारे इसमें इंस्टॉल करेंगे। LEDs इसमें लग चुकी है, तो ये देख लो 200 वॉट की इसमें लगा दी हमने, तो ब्राइटनेस आप देख पाओगे कितना ज़्यादा रहता है। बाकी ये इसका लो बीम है, ये इसका लो बीम है और ये डिपर है, तो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा रहती है भाई। 200 वॉट हम लोगों ने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। अब ये वाले में तो चेप पैक होएगी जब भी होएगी, पर ये जो नॉर्मल साउंड हो रहा है, नॉर्मल काम हो रहा है, इसमें कुछ हाई फाई नहीं है और नॉर्मल सिस्टम ही लगेगा इसमें। तो आपको मैं वो 360 वाली दिखाता हूँ। जो आप डोर देख रहे हो भाई, वैसे तो बेस मॉडल का, लेकिन आप लोगों को पूरा टॉप मॉडल का लग रहा होगा। अगर किसी को टॉप मॉडल का डोर डायरेक्ट चाहिए तो टॉप मॉडल का हम लगा देते हैं एज इट इज़ चेंज करके, पर ये हम लोगों ने बेस मॉडल के डोर को टॉप मॉडल वाला कन्वर्ट करा है। सो यहाँ से अगर आप देख पाओगे तो पूरा इसके अंदर इंटीरियर हो चुका है, डुअल स्टिच हम लोगों ने इसमें लाइनिंग करी है पूरी और पूरी फिटमेंट करी है। स्टाइलिंग किट इसके अंदर इंस्टॉल करा है, स्टाइलिंग किट में आप लोगों को इसमें ग्लॉसी मिल जाएगा, सिल्वर वाला आता है वो मिल जाएगा, गोल्डन है ये है। एक हमने इसके अंदर ये वाला हाइड्रो डिपेंट हमारे पास रेडी रहते हैं पैनल, तो ये वाला पैनल भी हम लोगों ने डिपेंट इसके अंदर चेंज कर दिया है पूरा लेदर के साथ, इंटीरियर अपना चढ़ के रेडी है। लास्ट चीज़ जो हम लोगों ने इसके अंदर है अपनी पूरी, अल्ट्रा एम्बिएंट लाइट फंसा दिया यहाँ पे, और ये छोटे वाला पीस भी हम लोगों ने पहली बारी मतलब रेडी करा है कस्टमर की डिमांड पे, पर जब फिट हो जाएगा फिर आपको समझाऊंगा कहाँ का पैनल है ये, और डिमांड पे करा है कस्टमर की, कस्टमर ने का कर दो तो हमने कर दिया, लेकिन ज्यादा कोई फायदा लग नहीं रहा मेरे को इसको कराने का। और पहले से ब्राउन और प्लस छुपा हुआ पैनल है ये, पर जब लग जाएगा आपको फिर गाड़ी के अंदर दिखाएंगे आपको। विटारा ला चुके हैं भाई 360 करने के लिए, अभी एक विटारा और आ जाएगी हमारी, तो यहीं दोबारा इसी जगह पे लगा के कर देंगे। मैट्स हमारे रेडी हो गए थे, फ्रंट बैक कैमरा और साइड कैमरा जो है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है भाई। साइड कैमरा यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया था और 360 जो है वो पूरा अंदर अभी रेडी हो चुका है, वर्किंग कंडीशन के अंदर है। सो अभी आप लोगों को पूरा एक बार यहाँ से पैकअप कर लेता हूँ, फिर आराम से आप लोगों को पूरा चला चलो के दिखाता हूँ कि कौन सी चीज़ कैसे इसके अंदर चलेगी। मैपिंग करने में आधे घंटे के आसपास का समय लगता है, वो चीज़ हमने डन कर दी है। फ्रंट कैमरा फ्रंट ग्रिल पर लगा हुआ है इसका, और साइड कैमरा ORVM पे लगे हुए हैं, जैसे टॉप मॉडल के अंदर आते हैं सेम वही फिटमेंट रहती है। सो बाहर से पहले आप लोगों को चेकआउट करा देता हूँ क्या क्या इसमें हमने इंस्टॉल करा है। तो आप लोगों को इसमें जो टेल लाइट की क्रोम नज़र आ रही है, ये कंपनी से ही भैया लगवा के लाए थे। बैक कैमरा 360 का हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल करा है,
क्योंकि इसमें जो है पूरा मैपिंग वैपिंग करने का सिस्टम रहता है। सो 360 के लिए 4 कैमराज आते हैं भाई और पूरा मॉड्यूल आता है। मॉड्यूल तो हमारा सिस्टम के पीछे लग जाता है, बट कैमराज आप देख पाओगे इस तरीके से OEM प्लेसमेंट पे ही आते हैं, जैसे कंपनी के अंदर आते हैं सेम वैसे ही रहते हैं और दूर से इतना कुछ खास नोटिसेबल नहीं रहता। प्लस ये जो क्रोम है ये भैया कंपनी से लगवा के लाए थे, हमने एक ब्लैक वाली पीछे की लगाई है, दूर से आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखो एक ब्लैक वाली नीचे की हमने जो है ये वाला पोर्शन ग्लॉसी इसमें इंस्टॉल करा है और एक डिग्गी बम्पर पट्टी इंस्टॉल करी है। दोनों ही नेक्सा का जेन्युइन एक्सेसरीज है, 25% डिस्काउंट वाला ऑन MRP। काफ़ी लोग ना इन चीज़ों की को रेट लेने के लिए कॉल करते हैं, तो आप कंपनी से रेट ले लो, उस पर 25% कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो तो आपको एग्जैक्ट रेट पता चल जाएगा। ऊपर आते हैं तो हम लोगों ने इसमें रूफ रेल्स इंस्टॉल करी है। रूफ रेल जो हमने इंस्टॉल करी है इसमें ब्लैक करी है, सिल्वर ब्लैक करी गई है इसमें। वाइट का आ रहा है तो ब्लैक थोड़ी ज़्यादा डैशिंग लगती है और अच्छी लगती है, और सिल्वर भी है ब्लैक भी है, जिसको जैसा अपने हिसाब से अच्छा लगे, बिकॉज सिल्वर मैच इससे भी हो सकता है काइंड ऑफ कह सकते हैं। बाकी अगर ब्लैक देखोगे तो ऑल ब्लैक में तो फिर ब्लैक के साथ काफ़ी बढ़िया लगता है। प्लस ऊपर जो है अगर आप लोगों को रूफ रैप कराना हो तो डुअल टोन पूरी कार लगेगी और काफ़ी बढ़िया कार जो है वो रेडी हो जाती है यहाँ पे अगर डुअल टोन कराते हैं तो। साइड बीडिंग हम लोगों ने इंस्टॉल करी है, फुट रेस्ट भी है कंपनी से लगवा के लाए थे, अलॉय व्हील भी है कंपनी से लगवा के लाए थे। और आपको फ्रंट साइड पर लेके चलता हूँ, सो फ्रंट साइड पर आप लोगों को इसके अंदर हमने हेडलाइट क्रोम इसके अंदर ब्रांड न्यू अपना 25% MRP और 25% डिस्काउंट के साथ ये वाला ग्लोसी भी लगवा के लाए थे। फ्रंट की ये बम्पर पट्टी भी लगवा के लाए थे, मिल जाएगी आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी 25% डिस्काउंट के साथ। साथ में ये वाला हमारा फ्रंट का 360 डिग्री कैमरा जो कि ग्रिल पे लग जाता है, तो इस तरीके का आता है। अगर दूर से देखोगे सो दूर से इस तरीके से नोटिस नहीं होगा कि क्या लगा हुआ है, बट हाँ इसके अंदर 360 रेडी है, 360 लगा हुआ है। साइड में लेके चलते हैं, साइड में आप लोगों को RVM पे इसके कैमराज मिल जाएंगे अपने, और यहाँ से नीचे आप लोगों को कैमरा इसका मिल जाएगा। अल्ट्रा वाइड कैमरा होता है ये पूरा का पूरा, और 1080p की क्लैरिटी रहती है, और 360 के अंदर रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट है, तो अगर आप लोग पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग भी आप लोग कर पाएंगे इसके अंदर। सो ये है भाई गाड़ी का, तो बाहर का पूरा आउटलुक कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ, और अब चलते हैं भाई डायरेक्टली अंदर। कोई काम कराना चाहता है अगेन वही काउंटिंग कार्ड्स करोल बाग गूगल मैप पे डालो, डायरेक्टली आ जाओ। ऑल जेन्युइन एक्सेसरीज विद इस तरीके का क्वालिटी वर्क आप लोगों को यहीं पे मिल जाएगा करोल बाग में काउंटिंग कार्ड्स। और काफ़ी लोग रुकते हैं, ये भैया भी रुके थे, मैं देखता हूँ आप लोगों को रिव्यू दूंगा। भैया ने 4000 रुपये दे के गाड़ी छुड़ाई है उससे, भैया डैम्पिंग करवा के लाए थे इसमें, जो गोल्डन डैम्पिंग हो रखी थी कौन सी कंपनी की थी, अजीब सी कोई पता नहीं क्या करके था, नाम अजीब सा था कुछ बर्न आउट करके, तो उस कंपनी की क्या हो रखी थी डैम्पिंग, वो तो हो गई तो वो उखाड़ नहीं पाए। और भैया एक स्पीकर कंपोनेंट लगा के आ गए, आए भैया हमारे पास थे पर किसी ने हाथ दे के भैया को रोक दिया, तो भैया वहाँ चले गए थे। और फिर भैया ने उसको सामान के पैसे दिए, उसने कहा कि भैया गाड़ी जो मैंने खोली है पैक करने के 4000 रुपये लूँगा, तो पैक भी नहीं करी उसने कहा गाड़ी मेरे काउंटर से हटाने के 4000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आधा गाड़ी खोल चुका हूँ, कह रहे मेरे लेबर आई है वो है करके। तो भैया कह रहे कि भाई हम तो बाहर के हैं लड़ने थोड़ी आए हैं ये वो, लेकिन भैया को एट द एंड 4000 रुपये, क्योंकि हम भी नहीं जा सकते भाई बोलने क्योंकि गाड़ी किसी और के काउंटर पर गई है। तो भैया 4000 रुपये उसको देकर आए जो कि वेस्ट गया इनका, और उसके बाद अब हमारे पास आइए तो हमने टोटली सारा काम करके आपको दिखाया। अब चलते हैं अंदर देखते हैं क्या काम हुआ है। सो इसमें देख लेते हैं क्या कुछ है। इंटीरियर जो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो किस तरीके का किया जाता है स्टाइलिंग किट के साथ, नीचे K4 अल्ट्रा एम्बियंट लाइट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, सेम उस साइड भी देखने के लिए मिलेगी, कैसी लग रही है आप चेकआउट कर सकते हैं भाई। तो ये K4 की लुकिंग जो है लुकिंग के लिए ही लोग लगवाते हैं, और इसकी लुकिंग एक नेक्स्ट लेवल आती है। तो ये देख पाओगे जो रनिंग वाली है उसी चीज़ के लिए K4 चलती है। अब जो डोर्स थे वो तो हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को रेडी करके दिखा दिए भाई कैसे करें। ये जो है ये कंपनी वाला पैनल आ जाता है, ये कंपनी का रिप्लेसमेंट हो गया दोनों आप लोगों के सामने। ये थोड़ा मैट फिनिश में, थोड़ा लेदर जो है ग्लोसी फिनिश में। सीट कवर जो है कंपनी के ही थे, बस इसको बकेट करके इसके अंदर इंस्टॉल करा है। नेक्सा की जेन्युइन स्कफ प्लेट इसमें इंस्टॉल करी है, सिल प्लेट। और अब इधर चलते हैं तो यहाँ पे चांद वाला स्टेयरिंग पूरा का पूरा जो है इंस्टॉल करके दिया है। तो यहाँ देख पाओगे आप लोग डुअल स्टिचिंग जो है पूरी की पूरी यहाँ पे रहती है, और रेडी किया गया पूरा चांद वाला स्टाइल में, मून टाइप हमने यहाँ पे रेडी किया है। फ्रंट साइड पे आते हैं तो फ्रंट USB सॉकेट यहाँ पे एक इंस्टॉल किया गया, इसके साथ साथ बैक में ओरिजिनल USB जो लगती है वो इंस्टॉल किया, गियर नॉब इंस्टॉल किया। स्टाइलिंग किट का जो पार्ट होता है वो ये वाले के साथ साथ ये वाला भी आता है, अगर ये नहीं लगता तो जो हम इसके साथ ग्लोसी लगाते हैं तो वो वाला लग जाता है, पर स्टाइलिंग किट वाले पार्ट में फिर ये वाला भी आ जाता है। थोड़ा वुडन टाइप टेक्स्चर है यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, और इधर भी ये वाला पार्ट आता है दोनों साइड पे। डैशबोर्ड जो है ये रिप्लेस होता है टॉप मॉडल के साथ, और उधर इंटीरियर, और इधर पूरा ग्लोसी पैनल जो रेडी किया जाता है। तो ये हाइड्रो डिपेंड होता है ये ग्लोसी की क्वालिटी,
एंड ये ग्लॉसी की क्वालिटी सेम है। एसी वेंट दोनों साइड के चेंज किए जाते हैं, ये दोनों ग्लॉसी इसमें इंस्टॉल किए जाते हैं। अब आप लोगों को एक बारी में 360 इसका दिखा देता हूँ। तो यहाँ से अगर आप लोग देखोगे सो यहाँ जो है 360 व्यू आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा पूरा इसका। तो ये देख पाओगे पूरा डिवाइडर और जितनी भी चीज़ें हैं सारी आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिलेगी। सामने की साइड वो देख पाओगे आप, उधर से बूथ और यहाँ पे से ये, तो ये रहा बूथ आपका। ऐसे देखना तो देख लो बूथ है, प्लस आप इस तरीके से जूम इन जूम कर सकते, जूम आउट कर सकते हो अपनी कार को, और इस साइड से आप लोग पूरा चेकआउट कर सकते हो। कार की शेडो है थोड़ी सी इस साइड आ रही क्योंकि उधर स्ट्रीट लाइट है, और इस तरीके से पूरा जो है ये यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे मैन होल का एक होल बना हुआ है, और इधर से पूरा आप लोग देख सकते हो किस तरीके से भैया चल रहे हैं वहाँ पे, ये भी दिखेंगे आपको। साथ में इसमें सेटिंग आप लोगों को दिखा देते हैं भाई। ये दोनों साइड का टायर अगर आप लोग मोड़ते हो तो दोनों साइड दिख जाएगा, राइट है ये लेफ्ट है। अगर आप लोग इसके अंदर ये देख पाओगे, लेफ्ट साइड में अगर आप इंडिकेटर देते हो तो ऐसा आएगा, राइट में इंडिकेटर देते हो तो ये वाला पोर्शन ऑन हो जाएगा, और किसी को रिकॉर्डिंग करनी है तो इसमें रिकॉर्ड सेट में जाके पेन ड्राइव लगा के अपना चेक कर सकता है नॉर्मली। 2D में अगर आप देखते हैं तो फ्रंट व्यू में, जैसे अगर आपको गाड़ी चलाने नीचे पत्थर पुत्थर चेक करने हैं तो 2D में करना पड़ेगा। 3D में करोगे तो 3D में या तो ऐसे करना पड़ेगा या फिर ऐसे करके देखना पड़ेगा, तो ऐसे करके आपको दिखेगा फ्रंट साइड पे, पर 2D में ज़्यादा बेटर दिखेगा ये चीज़। तो 2D में ये हो गया और ये बैक का हो गया, ये लेफ्ट राइट हो गया। लेफ्ट राइट तो 3D में ज़्यादा अच्छा आता है, ये राइट आप देख पाओगे और ये लेफ्ट देख पाओगे। तो हर तरीके का इसमें एंगल आप लोगों को मिल जाता है और क्वालिटी वाइज बढ़िया रहता है। साउंड आउटपुट आप लोगों को एक सुनाते हैं हम यहाँ पे, और 232 इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है जो भी है, और इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। प्ले स्टोर होता है तो अगर आप कुछ करना चाहते हो कर सकते हैं। ओएलईडी स्क्रीन रहती है और ओक्टा कोर प्रोसेसर रहता है, सो बेस्ट है अगर आप ये लगाते हैं तो बेस्ट रहता है। अब एक साउंड आउटपुट सुनाते हैं। तो ये चेकआउट कर लो। इसमें तो 130 वोल्ट लगाई है हमने, पर उस वाले में 200 लगाई है, तो वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा। इसमें ज़्यादा कुछ खास काम है नहीं, तो इसमें ही आपको लोगों को मोस्टली जो है मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 130 वोल्ट भी बढ़िया रहती है, जिन भाइयों को कुछ लगाना तो ये भी लगा सकते हैं, पर रिकमेंडेड 200 हमारी साइड से। और हमने इसके अंदर फ्लोरिंग करी है लास्ट, जो चीज़ आपको दिखानी थी। और एक बार एम्बिएंट लाइट का लुक चेकआउट कर लो। एम्बिएंट लाइट K4 भाई नेक्स्ट लेवल ही लगती है फिर तो लगने के बाद ना भाई। बाकी फोटो खींच रहे हैं तो आप लोगों को थंबनेल पे देखने के लिए मिल जाएगी अच्छी अच्छी फोटो, थंबनेल पे लगा दूंगा इसके एक रंग और बड़ी ऐसी फोटो, देखने में मजा आ जाए आपको। तो वो चीज़ हो गई है।